मैं पेडिक्योर करने के लिए जा रही थी तो इसमें ये देखें पानी डलता है इस तरह इस मशीन में, ठीक है, बस इतना ही काफ़ी होता है। ठीक है, फिर और दिखाती हूँ आपको। मैं कोई भी चीज़ लीजिए उठा के करना शुरू कर दीजिए। 170 वाले से भी बता चुकी हूँ मेकअप हेल्प फिटनेस पर। अब मैं यहाँ पे फिर बता रही हूँ इससे करने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि सामान पड़ा हुआ था मेरे पास तो जो चीज़ पड़ी होती है मैं उठा के यूज़ करने आ जाती हूँ। ठीक है, अच्छा इसे यूज़ करने जा रही हूँ, इससे करूँगी। उससे पहले क्या करना है, डिटोल ले लीजिए। डिटोल से क्या होगा जी, डिटोल ज़रूर डालें पाँव में। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से भी बता दिया, अब डिटोल से बताने के लिए जा रही हूँ। ये दोस्तों की तरह आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। अगर आप डिटोल डालेंगी तो झाग जो है वो बाहर नहीं आएगा। सोक को खोला, थोड़ा सा ऐसा सोक निकलेगा, ठीक है। इस तरह के स्टिक्स रखती हूँ, हिला लिया, थोड़ा सा यहाँ सोक डाला, थोड़ा सा यहाँ सोक डाला, ठीक है। ठीक है, ये पाँव डालेंगे हम अपना इसमें, यूँ करके 15 मिनट के लिए हम बैठ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, मैं बेसिकली तौर पर निपल्स इसलिए लगाती हूँ कि मेरे पाँव जब सोख होकर आते हैं तो मेरे नाखून जो है वो टूटने लगते हैं, बिगड़ने लगते हैं, इतना ख़राब हो जाते हैं। तो मैं क्योंकि सोख हो जाते हैं ना 15 मिनट के लिए, स्किन भी सोख हो रही होती है, नाखून भी पतले हो रहे होते हैं इसमें, तो मैं निपल्स लगाती हूँ। अगर आपको पसंद नहीं तो आप मत लगाइएगा। मैं इसमें बैठती हूँ तो निपल्स लगा के ही बैठती हूँ, ठीक है, क्योंकि मशीन है, मशीन के अंदर तो मैं लगा के ही बैठती हूँ, इसलिए कि पाँव सोख हो रहे होते हैं ना, ठीक है। अच्छा, इस तरह से ये पाँव का शक्ल आती जाएगी, ठीक है। ये देखें आप, ठीक है, यहाँ पे रोशनी का कम इंतज़ाम है लेकिन फिर भी देख लें, क्योंकि ठीक है बाथरूम के पास हूँ मैं इस वक्त, क्योंकि ये देखें भरपूर, फिर भी दिखाने की आपको कोशिश कर रही हूँ। ये देखें, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। किचन से आई थी बेसिकली तौर पे अभी मैं, तो मैंने कहा चलो पेडिक्योर ले रही हूँ तो आपसे भी शेयर कर दूँ, ठीक है ना। आ जाए, चलें साथ रहिएगा हमारे। मर्रीम, ये जब तक हमारे पैर सोख हो रहे हैं हमने सबसे पहले पैर सोख कर लेने, ठीक है। अब इधर आ जाएं, ये देखें ब्लीच निकालना है इसमें से, हमने इसमें ब्लीच दिया हुआ होता है क्योंकि पाँव पे करना है तो थोड़ा हार्ड ही रखेंगे, ठीक है। ये ब्लीच का पाउडर आ गया हमारा, ठीक है। एक ढक्कन बहुत होगा, इनफ होगा, क्योंकि पाँव ज़रा वैसे ही होते ना, पाँव पे तरह हार्डी बनाते हैं। अब इसको मिक्स करेंगे, ठीक है, और जब तक पाँव सोख हो रहे हैं हमारे, ठीक है, ब्लीच के लिए, ठीक है, मिक्स करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ, मैंने वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए, ठीक है, पाँव निकालेंगे इसमें से, पाँव को ड्राई करेंगे, ठीक है। ये देखें, ठीक है, पाँव को ड्राई किया हमने, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ब्लीच कर लेना है पाँव पर, ठीक है। ब्लीच कैसे लगाना है वो भी बताती हूँ आपको। अब स्टिक निकाल लीजिए इसमें से, ठीक है, ये ब्लीच घुल गया है, ये पकड़िए और पूरे पैर पे इस तरह से ब्लीच लगा लीजिए, ठीक है, ये यूँ। और आपकी मर्जी पे डिपेंड होगा आप कितनी देर ब्लीच रखना पसंद करती हैं और कितनी देर आप ब्लीच रखना नहीं पसंद करती हैं, वो आप अपने अपने स्किन के हिसाब से मैनेज कीजिएगा टाइमिंग को, ठीक है। अच्छी तरह आप ये ब्लीच लगा लीजिए। ये बात नहीं है कि मैं हर वक्त करती हूँ पेडिक्योर, मैं जब करती हूँ तो आपको दिखाती हूँ, कई कई दिनों तक नहीं करती, लेकिन मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि मैम अपना भी करना बताएं कि आप किस तरह करती हैं, आप ही आप बताएं, तो मुझे अच्छा लगा तो मैं चली आई। मैंने कहा चलो करने के लिए जा रही हूँ तो ये वक्त भी अच्छा है तो आपको दिखा देती हूँ मैं, ठीक है। अब दूसरा पैर भी निकालेंगे, इसी तरह साफ करेंगे किससे, किसी भी कपड़े से, और फिर आपको दिखाती हूँ मैं दोनों लगा के। हाँ ठीक है, ये दूसरे पाँव पे भी अप्लाई कर लिया ब्लीच को मैंने, मैंने कहा जब लगा ही रही हूँ तो आप ही के सामने लगा लूँ, ताकि जो बहनें मेरी घर पे करती हैं सब काम अपने खुद, तो उनको आसानी हो जाए और नेक्स्ट टाइम से उनको अवेयरनेस भी मिले कि भाई इस तरह भी हो जाता है। मैंने टब में भी बता दिया है आपको मेकअप हेल्थ फिटनेस पर, ठीक है। और अब मैं यूट्यूब का चैनल है मेरा मेकअप हेल्थ फिटनेस, तो उधर टब में भी बताया है, सब करके बताया है, 170 वाले पैकेट से भी बताया है, बहुत चीप पैकेट था वो, उसे भी बताया पर बहुत अच्छा है, इससे तो बहुत अच्छा है। ये जो मैं कर रही हूँ, मुझे तो 130 वाले का रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर लगा जाए बजाय इसके, मुझे तो उससे बहुत मज़ा आया यार, ठीक है। अपनी पसंद से खोलो सब चीज़ें,
और लगा लो, बहुत मज़ा आता है मुझे तो उससे। ठीक है, आप जाएँ देखें, आपको पसंद आएगा। वो भी मैंने हर तरह से डाल दिया। चलें, अब लीव करते हैं इसको थोड़ी देर और फिर दिखाते हैं, कंटिन्यू करते हैं, साथ में रहेगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल कुकिंग फूड विद शॉर्टकट को। चलें आ जाएँ। ठीक है, अब इस तरह से 15 मिनट के लिए आप बैठ जाएँ। ठीक है, सुकून से, चाहे तो मोबाइल में कुछ सॉन्ग सुन लें, चाहे तो आप मेकअप एंड फिटनेस की वीडियो देखें, चाहे तो आप कुकिंग फूड विद शॉर्टकट की वीडियो देखें। लाइक करें इस दौरान, शेयर करें मेरी वीडियोज़ को प्लीज़, इतनी मेहनत करी आपकी मोहब्बत में। अच्छा, 1 मिलियन से कुकिंग फूड विद शॉर्टकट से भी मैं जब इंशाल्लाह आऊँगी 1 मिलियन पे, तो मैं ये पेडिक्योर मशीन जो कुरानदाजी होगी उसमें जो विनर का नाम निकलेगा उसमें दी जाएगी। फिर रिपीट कर रही हूँ, जब जब पेडिक्योर और मैनीक्योर की वीडियो आएगी मैं आपको बताती चलूँगी, ताकि नए देखने वालों को पता चले कि यहाँ से कुरानदाजी होती है और कुरानदाजी में बड़ा अच्छा अच्छा सामान जाता है। और मैंने किसी अपने चाहने वाले को नहीं दिया, जिससे मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं था, अल्लाह की कसम उसको मैंने नहीं दिया है। मैं जिसको जानती भी नहीं थी, अल्लाह की कसम मैंने उसको दिया है। ठीक है, फिर रिपीट की मैंने ये बात अपनी चैनल पर और गवाही दी आप लोगों को। जो नए लोग आए उनको भी मैंने गवाह बनाया है यहाँ पे। सिर्फ इसलिए बताया कि मैं जो हूँ आपके साथ साथ हूँ, आपकी ही साथ हूँ मैं। ठीक है, यानी हम लोग अलग नहीं हैं, हम लोग एक ही लोग हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको लीव करते हैं 15 मिनट के बाद, और 15 मिनट के बाद मुलाकात करें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, आ जाए साथ रहिए मेरे। हो गया था, ठीक है, 15 मिनट रख के इसको यूँ करके साफ़ कर लें आराम से किसी भी कपड़े की मदद से, चाहे तो पफ ले लें, कोई पन ले लें, उससे साफ़ कर लें। ठीक है, ऐसे करके साफ़ करते हैं। ठीक है, जल्दी से साफ हो जाएगा एक ही कपड़े की मदद से। ये लुक आया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, आप पाँव को सोक करना है दोबारा मशीन में। ठीक है, अब दोबारा डालेंगे पाँव। ठीक है, कैसे ये आपको मैं दिखाती हूँ। ये दोबारा ये चेयर को मैं आगे कर देती हूँ। ठीक है, और ये फिर मशीन ऑन कर लें और फिर थोड़ा सा सोक कर लें। ठीक है, ये देख मैं आपको प्रॉपर दिखाती हूँ। ठीक है, छुड़ा दिया था, ब्लीच छुड़ाने के बाद अब हमने क्या करना है, दोबारा से पाँव को इसमें डाल देना है। ठीक है, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड है। पहले भी सोक किया, अब ब्लीच छुड़ाने के बाद भी इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, ताकि जो ब्लीच है वो छूट जाए इसकी मदद से भी, कपड़े से पोंछने के बाद। ठीक है, अब मैं और आके आपको बताती हूँ क्या करना है। कोई भी क्रीम लेनी है इनकी, मसाज वाली, ठीक है, ये लेनी है। इसके साथ हमने स्क्रैब ले लेना है। ये मसाज क्रीम आ गई, ये स्क्रैब आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, एक साथ ही लेकर यूं करके मैं मलती हूँ। ठीक है, ऐसे 5 मिनट के वक्त से भी मल सकती हैं आप, यानी 5 मिनट तक मल सकती हैं, 15 मिनट मल सकती हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैं इसको लगाती हूँ अच्छी तरह, फिर आपको दिखाती हूँ। हो गए मुझे मलते हुए इस तरह से। ठीक है, अच्छी तरह इस तरह मलिया पूरा इसको, बस 4 से 5 मिनट इनफ होता है पैरों के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा दिल चाह रहा है मलने का तो आप मलिए, बेशक मलिए। 4 से 5 मिनट मैं इसको करती हूँ और बस, अब फिर मैं इसको वैप करती हूँ, एक गीले कपड़े से निकाल देती हूँ, ड्राई करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ आगे। मलिया था तो इस तरह का लुक आया है पैर का। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये हल्का सा निकाल के यूँ बस एड़ियों को करना है। ठीक है, मैं थोड़ा कमी करती हूँ, आपको अगर करना हो एड़ियों पे ज़्यादा तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, मैं एड़ियों पे करती हूँ और यहाँ पे हल्का सा कर लेती हूँ बस। ठीक है, इसी तरह ये दूसरे पैर का भी करेंगे। ठीक है, हल्के हल्के बस, ज़्यादा नहीं, क्योंकि तशद्दुद तो करना नहीं होता हमें। ठीक है, ओके, फिर अब क्या करना है, अब आपको बता दूँ मैं। ठीक है, अब ये मास्क लगाएंगे हम पूरे पैर पर इस तरह से। ठीक है, पूरे पैर पर अच्छी तरह सुकून से। ठीक है, आप चाहें तो ब्रश से भी लगा सकती हैं मास्क, और आप चाहें तो ऐसे भी लगा सकती हैं, क्योंकि ब्रश तो हमारा अभी उसमें गंदा हो गया है, क्या कहते हैं, ब्लीच में। ठीक है ना, तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें हाथ से अप्लाई कर लेना होगा, क्योंकि अब मुझे जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा तो मेरे पैर फिर डर्टी हो जाएंगे। अभी मैं यहीं बैठे बैठे काम करना चाहती हूँ, मैं दूसरे पैर पर भी लगाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैं दूसरे पैर पे भी लगा रही हूँ अच्छी तरह, आराम से, और बहुत जल्दी अप्लाई हो जाता है हाथ से सुकून के साथ यूँ करके।
ठीक है। अब इसको थोड़ी देर जब तक ये ड्राई होता है छोड़ते हैं, फिर छुड़ाऊँगी और फिर बताती हूँ क्या करना है। अच्छा अब ये क्या है, इसी में से हमें ये क्रीम मिलती है, क्रैक क्रीम, हम यही लगा लेंगे। ठीक है तो ये मेरा लुक आया है, आप ये देख लें अच्छी तरह। ठीक है ये मेरा लुक आया है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि मरीना वालों का मत लीजिएगा, और भी कोई कंपनी का हो तो आप ले लीजिएगा। क्रीम को जस्ट करती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको। ठीक है क्रीम जस्ट हो गई है, मैंने ये क्रीम जो होती है इसमें रिपेयर क्रीम ये भी लगा ली है। चलें ठीक है, और ये लुक आया है मेरा, आप ये देख लें चलें। अच्छा एक सेकेंड रुके रुके रुके, ये आपके पाँव पे पायल बहुत अच्छी लगती है। अरे मैं नहा ली थी फिर पहना दी थी आप? नहीं 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 नहीं, इस वक्त पायल का अलग अंदाज है। थैंक यू अली, मोस्ट वेलकम। चलिए देखिए जी ये लुक आए, चलिए